और जेबी भैया का दिमाग देखिए, प्लान बना रहे थे मुझको बुला के स्टूडियो पे। मतलब जेबी भैया के गुण गा सकती हो, सब नहीं गा सकता है। रामाकांत भैया का गुण क्यों नहीं गाई हो उस रिकॉर्डिंग में? क्योंकि रामाकांत भैया तुम्हारे दिल की बात नहीं समझते हैं, रामाकांत भैया तुम्हारे दिल की फीलिंग नहीं समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले माफी चाहते हैं क्योंकि कल वीडियो नहीं डाल पाए और आज आप लोग के बीच में लाए हैं पार्ट टू। पार्ट वन कल तो आपने देख लिया होगा, आज लाए हैं पार्ट टू। पार्ट टू में मैं ये क्लियर करने वाली हूँ कि किसने क्या कहा है। बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि मतलब ऐसा क्या हो गया, राधा दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो मैं भी इशारे इशारे में बात करी थी, लेकिन आज मैं इशारे इशारे में बात नहीं करूँगी, आज सबूत के तौर पर बात करूँगी। और सही बात है, किसी को पलट के जवाब ना देना अच्छी बात नहीं है, और किसी के बारे मतलब कोई चीज़ चुपचाप सुनना वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती को ना मानना ये भी अच्छी बात नहीं है। अपनी गलती को भी माना जाता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, और जो आपके सर हैं उनको भी मानना चाहिए था कि हाँ तुमने ये गलती की है, लेकिन नहीं। तो आइए पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही करिएगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँ, देखिए सबसे पहली बात, मैं बिगर सबूत के किसी को भी कुछ नहीं कहती हूँ। और दूसरी बात, मुझको कितना कुछ कहा गया लेकिन मैंने एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया, ना मैंने फ़ोन करके पूछा किसी से। और मेरे पास फ़ोन करके पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रही हो ये वो, तो उनको लगा कि मेरे पास सबूत नहीं है, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। दोस्तों मैं क्लियर बताती हूँ इस ब्लॉग में। तो दोस्तों मैंने तो रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो मैं दोबारा से अपना मूड पंचर नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा चाय पीते पीते और आप लोग को रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। तो आइए आप लोग को सुनाते हैं स्टूडियो की मालकिन क्या बोली है, कौन किसको बनाया है, सुन लीजिए। पर पैसा कौड़ी कितना प्रॉब्लम है, शरीर तबियत क्यों ना ठीक रहा, मलकिन होके बेचारी पैसा कौड़ी कर, शूटिंग करे तो तब पैसा कमेगा, शूटिंग करे तो तब पैसा कमेगा। ये हम ना कहाँ मिलल, हम कहाँ शूटिंग करे थे, इसमें कहे तक पैसा ना मिलल का शूटिंग वाला। अरे दीदी अगर जी इतना हमने के बारे में सोचे थका था, देखे लोग इंसान परेशान बा, ऊपर से उनके इतने बड़ा बीमारी बा, ऊपर से इतना हम सबके लेके चलत हमें, तब हम खिया देता हूँ फ्री में बैठा के, वह बहुत बा इज्जत करे थे मैं। और यूट्यूबर लोग तो मतलब की तरह यूज करे थे, लेकिन वो अगर इज्जत के साथ करे थे काम तो उनसे कैसे मुंह खुली, और यूट्यूबर साहब मतलब के लिए कर रहे हैं। इतना इज्जत है स्टूडियो मिलल आज तक, यह जहाँ तक भैया का हाथ रहा बा तहाँ तक हर केहू सम्मानित रहा बा, लेकिन जहाँ तक की चिंतागिरी भइल बा वहाँ सब तबाह हो गए। तीसरा आदमी का कही आग लगा, तीन पांच डिस्टर्ब कर दी, जैसे ही तीसरा आदमी आके आग लगा लिया, आबादी में कुल उल्टे चल जाए इंसान। सही बात है, कहा जाता है, लेकिन मालती दीदी बहुत अच्छे समझती थी भैया का, मालती से मिलल लाली ने। अच्छा हम ना जब भी बाहर कहीं जाए बेचारी फोन करे समझ जाए कितनों के कुछ भर है, लेकिन दीदी माने भैया हमन कौन बीमारी बा ना देख लू काम कौन सीरिया हम ना तो तरीका समसम जनता ना रहे बहुत कपारे हाथ दे लगू भैया तू कैसे खड़ा है यार का भाई बा पता है जो सब लोग देख लेंगे राधा से दीदी आई लाने उनका गौसिरिया जो है अंत पे चल रहा है राधा दीदी देख लें तो वीडियो बना खल्ला करें और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो भी दिक्कत है मतलब ऑपरेशन होगा सक्सेस नहीं हो सकता है कोई भी चांस नहीं कुछ ठीक होंगे कि नहीं तभी डर के माले नहीं करवा रहे इतना ब्लडिंग होता है सात सात दिन उठ नहीं पाते खटिया पर से हम देख रहे हैं सारी स्थिति ना लेकिन तब वो सबके समझा के मिला के ले ली जान लेकिन तब वो सब जने इतना ज्यादा मतलब क्या बतावे इज्जत नाम का कोनो चीज ना है इज्जत का देवी है इज्जत उछाल के आलिया टिन्न है ये हमारे इज्जत का देवी है डर दबे चाहिए कि जो बंदा हमारे लिए परेशान था आज उसको बिगड़ा है उसके ऊपर हम लोग खड़े रहने की वजह उसको तोड़ रहे हैं रोवत रहना है ना बलल बलल ये कुछ देख की स्थिति देख ना जाता रहा सब जने यहाँ तो परेशान रहे कोई बात नहीं सुनना पड़ेगा मुझे केहू का आत्मा ना दुखा चाहिए केहू के भी सही बात है मर्दी का आंखी मास वैसे ना आवे दीदी जो सबके आज तक मोटिवेट कर लेगा ओकरी आंखी मास आएगा अपने ही लोगन की वजह से फिलहाल तो आगे बारे में कहा बहुत बहुत खुश रहना
एक दिन शांति स्टूडियो गई तो उसके लिए बहुत खुश। फुसलाने का तरीका देखिए इसका। चलो तब ध्यान धान बैठे दो तीन दिन भाई। दीदी धान में खा तो मुझको लावा अमर ध्यान मजाक ना आए। मजाक ना करती है अमर बैठे हुआ डब्बा अभी तीन चार बीघा बैठा रहे थे हमें बैठा ना। अरे बैठा बैठे रविंद्र भी सिखा दी उखाड़ दे रविंद्र बा सिखा दे। अरे रविंद्र बाबू थोड़ा साइड में तू रहा जहाँ वही रहा। हाँ हम चला बाबू तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया। सब यूट्यूबर सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करते हैं वहाँ पे स्टूडियो पे जितने लोग जुड़े थे। और ये स्टूडियो की मलकिन है जो कि ये अब हमको बताएगी कि हम लोग के पास इज्जत नहीं है। ये अपनी इज्जत कहाँ कहाँ गवा के आई शादीशुदा होने के बावजूद। मतलब बहुत कुछ इसके बारे में पता है, इसको पता भी है कि मेरे बारे में बहुत कुछ लोग बाग जानते हैं। इज्जत की बात वो कर रहा है जिसके पास खुद इज्जत नहीं है। वो बोल रहा है कि सब लोग बस इज्जत, मतलब आप लोग सुने हैं बाकी का रिकॉर्डिंग में। और ये रिकॉर्डिंग शांति के पास फ़ोन करके ये बहुत मतलब बताए कि भैया को बीमारी है, राधा दीदी को वीडियो दिखाए थे। तो ये बताइए मुझको वीडियो दिखाए हैं तो क्या मैं करूँ, हल्ला करूँ, माइक लेके अनाउंसमेंट करूँ कि जेपी भैया को ये बीमारी है। और दोस्तों और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, इतनी गलतियाँ होने के बावजूद जेपी भैया कुछ बोलते हैं हम सुन लेते, रामाकांत भैया कुछ बोलते हैं हम सुन लेते। मैंने वीडियो बनाया जब जिस दिन गाना रिलीज हुआ था, वीडियो बनाया, मुझे पता था कि वो पूजा सिंगर गा के दी हैं, जो सिंगर उनके स्टूडियो पे थी उसी से जेपी भैया को तकलीफ हुआ था कि मेरे स्टूडियो पे मेरे चैनल के लिए गा के देती थी, अब राधा को देने लगी। उनको इस चीज़ का दुख था और ये चीज़ साफ साफ रिकॉर्डिंग में जेपी भैया ने बोला है। ठीक है, मैं कोई भी बात करती हूँ सबूत के तौर पर करती हूँ। और मैं एक बात और बता दूँ, मेरे को फालतू टाइम नहीं है जो मैं इन जैसियों पे अपना ध्यान दूं। जो बोल रही है कि मतलब जेपी भैया इससे वैसे फलाना ढिमकाना, तो जेपी भैया ने किसको शूटिंग का पैसा दिया है चाहे हम लोग को बता दे ये दोबारा से, चाहे जेपी भैया ही हमको बता दें कि शूटिंग का पैसा किसको मिलता है। इस स्टूडियो पे जितने लोगों ने भी काम किया है, काम के बदले काम किया है, ठीक है, किसी के ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया है। एक बात, एक मिनट, एक सेकेंड। तो दोस्तों बस यही सारी बातें थी। और मैं बता दूँ कि ये चीज़ जो मेरे को बुरी लगी, ये चीज़ मुझको ही नहीं, मैंने और भी यूट्यूबरों के पास ये रिकॉर्डिंग है जो कि सबको बुरी लगी है। और मैं आप लोग को बता दूं सिर्फ ये चीज़ किसको नहीं बुरी लगी है, स्टूडियो की मालकिन को और जेपी भैया को। उनको लगता है इस बात में क्या है, इस बात में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे बुरी लगनी चाहिए लोगों को। और इसमें रिकॉर्डिंग में साफ साफ क्या बोला गया है, ध्यान लगाइए, माइंड लगाइए अगर आप लोग के पास दिमाग हो तो, क्योंकि तीसरा अदरवाइज हम लोग को कैसे कुछ बोल सकता है। स्टूडियो पे इतने सारे लोग जुड़े हैं, तीसरा आदमी कैसे इतना कुछ बोल सकता है कि सब फायदे के लिए यूज करते हैं। इसको पता है कि हम लोग जेपी भैया को फायदे के लिए यूज कर रहे हैं कि रामाकांत भैया को फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। और पहली बात मैं इस स्टूडियो के मालकिन को क्या कहूँ, सबसे पहली बात मैं बता दूँ, जेपी भैया ने खुद मेरी इतनी जगह दोस्तों बुराई कर रखी है कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, जितनी मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है सब में जेपी भैया ने मेरे बारे में ही उल्टा सीधा बोल रखा है। किसी भी रिकॉर्डिंग में ये नहीं है कि जेपी भैया ने बोला हो कि हाँ राधा जो बोलती है खर्रा बोलती है, चाहे किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे, किसी में भी उन्होंने ये बात नहीं बोली है। जिस रिकॉर्डिंग में भी ये बात आई है सारी बातें मुझे हर्ट करने की ही आई हैं, जेपी भैया ने बोला है। रामाकांत भैया भी तो है, रामाकांत भैया के फ़ोन करने पर ही मैं स्टूडियो पर जाती थी। रामाकांत भैया ने क्यों मेरी बुराई नहीं कहीं कर रखी है, रामाकांत भैया के पास किसी ने फ़ोन करके क्यों नहीं बोला, रामाकांत भैया के बारे में किसी ने क्यों नहीं बोला, रामाकांत भैया के बारे में मैंने ये वीडियो क्यों नहीं बताया, क्योंकि रामाकांत भैया को इस सब चीज़ से मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि रामाकांत भैया को इन सब चीज़ के बारे में कोई भी मतलब ही नहीं रहता है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने रामाकांत भैया के पास भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है, पहले मैंने किसी के पास नहीं करती, पहले मेरे पास थी। मुझसे जेपी भैया ने बोला कि रिकॉर्डिंग भेजो तब मैं उसको डांटता हूँ, क्या गलती है उसकी, उसकी गलती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने सोचा कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैंने जब सबूत भेजा तो जेपी भैया की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि आओ मिलके मैटर सेट आउट कर लो, तुम्हारे मन में गलत फहमी है ये वो। तो कितने दिन हो गए थे वीडियो को रिलीज किए हुए, तब मैंने एक ही वीडियो डाला था, उन्हें मुझसे मिलके सारी बातें सेट आउट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कैसे आएंगे भाई, मालकिन बोलेगी तभी तो आएंगे मुझसे मिलने, तभी तो सारा मैटर सेट आउट करेंगे, क्योंकि स्टूडियो की मालकिन आप लोग को पता ही है, कहाँ बताएं, आप लोग समझ सकत हैं। तो बस यही सारी बातें थी। फिर उसके बाद मैं बता दूँ, मेरे पास जेपी भैया ने फ़ोन किया, जो कि मैंने बाद में फिर वीडियो बनाया, जो कि जेपी भैया ने रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला है कि
कि आवा केकवा काट लेवल जा गनवा रुकलवा वो औरते चल जाएगा। और उस भी उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ शांति कह रही है कि भैया रधवक बुला लो, रधवक बुला ला, नहीं तो रधवा ऋषि आ जाएगी, भैया रधवा ही मेरे को बुलाई थी वहाँ पे। और मतलब बहुत कुछ ऐसी बात जो कि शांति ने मुझको वहाँ पे बुलाने के लिए ही बोला कि भैया राधा को बुलाइए, वो सामने रहेगी, उसके सामने केक काटेंगे, उसको भैया दुख पहुँचा है, उसको बुरा लगा है, आपने ऐसा क्यों किया, आपको उसका उसको बता दिए होते। शांति ने जहाँ तक बोला रिकॉर्डिंग में यही बोला है। उसमें भी जेपी भैया ने कहीं पे भी मेरा नाम नहीं लिया, और नहीं तो बोल रहे हैं कि राधा को फोन करूंगा तो कहेगी जल्ले पे नमक छिड़क रहे हैं, ये वो फलान निमगाना, मतलब बहुत कुछ बोला है, वो मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। बस ये मैं उसके लिए है जो वीडियो बनाई है, एक तो गलती, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी कि लोगों को लोगों का सुनना ज़्यादा जायज़ नहीं होता है और ज़्यादा सुनो, मतलब जो ऐसा कुछ बोली है। मैं उसका वीडियो नहीं देखती हूँ लेकिन मुझे कोई शेयर कर देता है तो मैंने क्लिक करके देखा कि उसने ऐसे ऐसे बोल रखा था। तो जैसी बात है जेपी भैया फ़ोन करके बोलते हैं आओ मैटर सॉर्ट आउट करो, और ये स्टूडियो की मालकिन वीडियो बना बना के डालती हैं। और मान लीजिए, हाँ मैं एक बात और बता दूँ, जेपी भैया ने फ़ोन करके बुलाया कि आओ मतलब इसको डांटो बोलो, मैं बोली कि भैया मेरे सामने उसको मत लाना, मेरे सामने लाओगे तो मैं उसको मार दूंगी पक्का है, कि वो कौन होती है बोलने वाली, मेरे सामने आएगी तो मैं एक दो थप्पड़ मार दूंगी। जेपी भैया ने बोला ठीक है आओ मान लेना, लेकिन उसके पीछे भी जेपी भैया का जो प्लान था कि राधा स्टूडियो पे आएगी, अगर निर्जला को मारती है तो वीडियो बनाना फलाना ढिमकाना, स्टूडियो में कैमरा लगा है, राधा को फंसाया जाएगा, मतलब जेपी भैया का जो दिमाग है दोस्तों, माइंड है, वैसे तो वो बीमार हैं, जेपी भैया जो हैं बीमार हैं। उस दिन रिकॉर्डिंग में भी जो मुझसे बात करके बोले हैं उसमें भी, रिकॉर्डिंग में भी है कि मैं बीमार हूँ, तुम सोची समझी नहीं, मैं खड़े होने के राहत में नहीं हूँ, लेकिन दिमाग लगाने के राहत में जेपी भैया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हैं कि स्टूडियो के मालकिन के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। मैं इज्जत कर रही हूँ, मैंने सोचा कि छोड़ो हटाओ जान दो, उसको समझ आ गया होगा, अगर मैंने जेपी भैया से बोल दिया जेपी भैया ने डांटा होगा, लेकिन नहीं, जेपी भैया को तो उसकी गलती नहीं दिखती है क्योंकि भाई स्टूडियो की मालकिन जो है जेपी भैया का पूरा ख्याल जो रखती है, तो ज़्यादा मुंह ना खुलवाएं। और एक बात और बता दूं मैं, जो मुझे जेपी भैया प्लान बना रहे थे स्टूडियो पे बुलाने का, यहाँ कच्ची गोटी खेल के यहाँ तक नहीं आई हूँ आपकी तरह। मैं बता दूं, एक बात और बता दूं, इसमें बहुत बुरा लगने वाली बात है जेपी भैया को और उनकी जो स्टूडियो की मालकिन है बड़की माई, उसको भी बुरा लगेगा, मैं फिर भी मैं बोलूँगी, बुरा लगता है तो लगे, फिर भी मैं बोलूँगी कि मैंने जो मेहनत किया है खुद से वायरल हुई हूँ, ठीक है, किसी ने मुझे वायरल नहीं किया है। अगर मैं आपके स्टूडियो पे थी, आपके स्टूडियो पे काम कर रही थी, आप मेरा चैनल मेरा वीडियो ट्रेड करके जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड पे डाल रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझसे आप व्यूज कमा रहे थे, तब मुझसे वीडियो करा रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूँ जो कि स्टूडियो के बड़की मालकिन बोली हैं कि जेपी भैया को सब मतलब सब यूज करते हैं, सब फ़ायदा लेते हैं, तो इसी को पता होगा कि कौन कौन लोग फ़ायदा लिया है। जेपी भैया ने शायद इसको बताया हो, भाई स्टूडियो की मालकिन है तो क्या पता बात शेयर किया हो, तो इसको ही पता होगा, हमको तो पता नहीं है। खास करके हम बता दें, हमने आज तक जेपी भैया से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, जिस लायक नहीं थे, जब यूट्यूब से इनकम नहीं आती थी तब जेपी भैया मुझे किराया भाड़ा देते थे, ठीक है, कोई मुझे चार्ज वगैरह नहीं देते थे। और दूसरी बात बता दूं, जिसको जेपी भैया ने पैसा दिया होगा, जिसको चार्ज दिया होगा वो जाने, क्योंकि रिकॉर्डिंग सबके पास है लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई डायरेक्ट पूछ सके कि जेपी भैया रमाकांत भैया के अलावा ये तीसरी कौन होती है बोलने वाली, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, और मैं कहूँगी भी नहीं क्योंकि इसका सामना मैं खुद कर लूँगी, मुझे किसी से कहने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका सामना मैं खुद कर लूँगी। और हाँ एक बात और मैं लास्ट में बता दूँ जाते जाते कि मुझे ये रिकॉर्डिंगें कैसे मिली हैं, मैं बता देती हूँ, इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। शांति का गाना लेके, शांति का फ़ोन लेके मैं गाना चला रही थी, जो कि शांति का शूट हो रहा था, स्थान पे हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा पहला शांति का गाना जो शूट हुआ था, तो शांति का फ़ोन लेके मैं ही रील बना रही थी, रील शांति का रील मैंने बनाया, शांति उधर शूट करने लग गई, तो मैं शांति ने मुझे बोला कि दीदी टाइटल डाल के इसको पब्लिक कर दो, इतना बोल के ये चली गई अपने सेटअप पे गाना शूट करने। फिर मैंने देखा कि उसमें उसका मालकिन का भी नंबर था, स्टूडियो की मतलब जो मालकिन है बड़की माई, उसका भी नंबर था, जेपी भैया का भी नंबर था, रमाकांत भैया का नंबर नहीं था। फिर मैं उसको क्लिक करती हूँ, तो जैसे जहाँ नंबर होता है दोस्तों वहाँ क्लिक करते हैं, मैं भी आप लोग को दिखा देती हूँ, जहाँ नंबर होता है क्लिक करते हैं तो वहाँ रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अभी एक सेकेंड, क्योंकि मैं जिससे भी बात करती हूँ मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू रहती है।
देखिए इस तरीके से, इस तरीके से रिकॉर्डिंग है। लाइट तेज है, दिखाई नहीं दे रहा। तो जब हम लोग नंबर निकालते हैं तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे रेड डॉट है ना, तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग है, चालू रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्लिक करके देखा, शांति के ही फ़ोन से मैंने क्लिक किया तो उसमें हेलो मतलब बहुत बात हुई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ऐसे ही बात करी होगी, क्या पता भाई शांति का व्यू चला है तो क्या पता फुसला रही है चाहे जो भी, और उसमें रिकॉर्डिंग में साफ साफ फुसला रही है कि जेपी भैया आपका बहुत नाम कर रहे हैं, ये वो साफ साफ फुसला रही है। फिर मैंने उस रिकॉर्डिंग को थोड़ा और आगे कढ़ा के जब सुना तब उसमें साफ साफ कह रही है कि सब लोग फ़ायदा उठाते हैं जेपी भैया का, हम फ़ायदा नहीं उठाए, हम पैसा नहीं लेते हैं। फिर मैंने शांति को भी नहीं बताया, मैंने वो रिकॉर्डिंग टच कर करके शांति के डिस्प्ले में से, शांति के फ़ोन में से अपने फ़ोन में भेज लिया। मैंने स्टूडियो वहाँ पे मतलब शूटिंग पे मैंने नहीं सुना। फिर मैं शाम को घर पे गई, मैंने सुना, सुना तो मेरे को दुख तो हुआ कि आओ केक काटते हैं ये वो। अगर जेपी भैया के मन में इतना ही मेरे को लेके दुख था कि मैं परेशान हूँ, तो जेपी भैया उस केक को एक दो दिन बाद काट सकते थे मुझसे मिलने के बाद कि आओ राधा, चाहे मेरा घर जेपी भैया ने देखा हुआ था, मेरे पास आ जाते, मुझसे बोलते राधा तुम्हारी गलत फहमी थी, कोई बात नहीं अभी और आगे काम करना है, मिल के काम करेंगे, एक गाना नहीं चला आगे मेहनत करेंगे, आगे तुम्हारा साथ देंगे, बोले बोलते मिले रहते बोलते तो सारा मैटर सट आउट हो जाता। लेकिन नहीं, जेपी भैया तो व्यूज का खेल है, क्योंकि जिसका व्यूज आएगा उसी को टारगेट करना है, और हम लोग अपने चैनल पे हम लोग खुद का फेस डालेंगे तो हम लोग का बात अलग है, और जो जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड है उस पर दूसरे का फेस पड़ता है, ना जेपी भैया का फेस पड़ता है और ना ही स्टूडियो की मालकिन का पड़ता है, आप लोग को पता है। तो ये था पार्ट टू। अब पार्ट थ्री में मैं जो लाने वाली हूँ वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो आप लोग पार्ट टू को देखिए और दोबारा से मुझ पे उंगली उठाने के पहले एक बात दोस्तों हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहे हैं ना, तो ये दो तो उंगली दूसरे की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन जो तीन उंगलियां हैं ना ये सीधा मेरे तरफ इशारा कर रही है, ये बात दिमाग में रखना चाहिए। और जेपी भैया का दिमाग देखिए प्लान बना रहे थे मुझको बुला के स्टूडियो पे, मतलब आप लोग दिमाग लगाइए। अभी वो भी रिकॉर्डिंग डालूंगी पार्ट थ्री में, वो भी रिकॉर्डिंग आएगी। और अभी मैं पार्ट वन कल परसों रिलीज किया था, कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, हम लोग शूट 4-5 बजे करके गए थे तो मैं आराम कर रही थी, वीडियो कल नहीं मेरा पड़वाया था, तो मैंने आज ये पार्ट टू आप लोग के बीच में मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद कल पार्ट थ्री आएगा, परसों पार्ट फोर आएगा, और जब तक आएगा जब तक इसको स्टूडियो की मालकिन को पता नहीं चलता कि हाँ मेरी गलती है, कि मैंने क्यों बोला ऐसा, मेरा कोई हक नहीं है बोलने का, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, स्टूडियो पे तुम हो तो कर रही हो तो खा रही हो, तुम्हारे साथ जो एहसान कर रहा है उसको तुम कह सकती हो, सबको नहीं कह सकती हो, ठीक है। खास करके मैं ये बात बता दूँ, तुम वहाँ पे हो, तुम खा रही हो, कर रही हो, तुमको जेपी भैया हर एक चीज़ तुम्हारी पूरे कर रहे हैं, तो तुम ही जेपी भैया के गुण गा सकती हो, सब नहीं गा सकता है। रमाकांत भैया का गुण क्यों नहीं गाई हो उस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि रमाकांत भैया तुम्हारे दिल की बात नहीं समझते हैं, रमाकांत भैया तुम्हारे दिल की फीलिंग नहीं समझते हैं, सिर्फ जेपी भैया ही समझते हैं। मतलब दोस्तों माइंड देखिए, रमाकांत भैया भी तो परेशान है बेचारे, वो भी तो घर बना रहे हैं, वो भी तो रिकॉर्डिंग सुने हैं, उनको भी तो टेंशन होगा। रमाकांत भैया का तो कहीं बात चर्चा नहीं है, क्योंकि रमाकांत भैया स्टूडियो की मालकिन का जो बड़की माई है उनके दिल की फीलिंग नहीं समझते हैं, सिर्फ जेपी भैया समझते हैं। तो इसलिए जेपी भैया ने ही फोन करके बोला कि छोड़ो हटाओ जान दो, रमाकांत भैया ने क्यों नहीं मेरे पास फोन किया। रमाकांत भैया को भी लगता है कि हाँ उसकी गलती है, सबको लगता है, मतलब जितने भी लोग हैं जेब म्यूजिक वर्ष से जुड़े थे सबको लगता है कि गलती है उसकी, लेकिन सिर्फ जेपी भैया को और स्टूडियो की मालकिन को लगता है कि कोई गलती नहीं है। स्टूडियो पे और भी लोग तो हैं, सिद्धार्थ है, आलिया है, नीरज है, और वीडियो एडिट करते हैं वो है, और मतलब ऐसे बहुत लोग हैं स्टूडियो पे, रमाकांत भैया भी हैं जो कि स्टूडियो के मालिक ही हैं। रमाकांत भैया जेपी भैया स्टूडियो के मालिक ही हैं, ठीक है। रमाकांत भैया हमको बुलाते हैं जाते हैं, और किसी ने क्यों नहीं बोला। इन्हीं स्टूडियो के मालकिन को ज़्यादा टेंशन था जेपी भैया का, मैंने मतलब ऐसे ऐसे बोल दिया जेपी भैया को, इसको ही ज़्यादा टेंशन था दोस्तों। जेपी भैया मुझे बोल सकते थे, मैं जेपी भैया को बोल सकती थी, ये कौन होती थी बोलने वाली। तो फिलहाल अगर वीडियो में बड़की माई और स्टूडियो की मालकिन देख रही है तो वीडियो को फुल देखना और अपनी गलती का एहसास करना कि तुमने गलती करी है कि नहीं करी है, ठीक है। और मैं दूसरी बात और बता दूं दोस्तों, मैंने जो पार्ट वन डाला था वो वीडियो देख के इसने मेरे पास बहुत फ़ोन किया था, स्टूडियो की जो मालकिन है फ़ोन की थी, उसने सोचा कि फ़ोन करके उठाऊं, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं है कि वो कौन है कि मैं उसका फ़ोन उठाऊं। मेरे लिए वो मेरे पाँव की जूती भी नहीं है, इसलिए मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। मेरे लिए वो
मैंने बोल दिया ना, मैं मुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं इतना कुछ सह के यहाँ आई हूँ और वो बहुत कुछ छोड़ के, बहुत कुछ गवा के आके वो वाला काम कर रही है। अब समझ लो वो वाला, तो मुंह मत खुलवा। और अभी भी अगर इस वीडियो के बाद भी अगर तेरे को लगता है कि तूने कोई गलती नहीं की है, तो पार्ट थ्री में मैं बताऊंगी दोस्तों इसके पहले की लाइफ, जो कि ये कहाँ से थी, इसका ससुराल कहाँ था, और मतलब बाकी का ए टू जेड जो डाटा है पार्ट थ्री में आएगा। लेकिन उसमें भी कुछ रिकॉर्डिंगें आएंगी जो आप लोग के सामने मैं रखना चाहती हूँ। और दोस्तों मैं बता दूँ, मैं बेगैर सबूत के बात नहीं करती हूँ। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, क्योंकि वो खुद ही देख के परेशान हो जाएगी कि इतना लंबा वीडियो बना दिए हैं। तो चलिए, वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। और बाकी का अगर लगे कि हाँ गलती है, तो अपनी गलती को एक बार मानो, और नहीं मानना है तो उसका तो जो होगा होगा ही। बाय बाय।